फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, मैरिज सीजन चल रहा है और आपके भी घर में सिस्टर की, ब्रदर की, फ्रेंड्स की या रिलेटिव में किसी ना किसी की मैरिज तो जरूर होगी। अगर आपके भी किसी के घर में मैरिज है और आपको मैरिज में लहंगा पहनना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको दुपट्टे को किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल से पहन सकते हैं मैं वही सब आपको दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम दुपट्टे के कॉर्नर से इस तरीके से दुपट्टे को कर लेंगे और लगा के देख लेंगे कि हमारी लेंथ ठीक है, क्योंकि हमें इसे इस तरीके से आगे लाना है। जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और गाइस, अब हम इस तरीके से दोनों दुपट्टे के कॉर्नर को आगे की तरफ लेंगे, इसलिए इन्हें पिनअप से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इन सब में इस तरीके से पिन लगा के इन्हें सिक्योर कर लेंगे। एंड गाइस, ये जो बचा हुआ है इसे भी हम पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से इन्हें सबको पिन से सिक्योर कर लेंगे। गाइस, हमारे जो फ्रंट में है वो इस तरीके से कॉर्नर आएंगे। इस तरीके से आपको इन्हें पूरे को सिक्योर करना है। मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूरे में पिन लगा ली है। अब हम इसे इस तरीके से बैक में ले जाकर साइड से निकाल के लाएंगे और इन्हें लहंगे में अच्छे से पिनअप कर लेंगे, जिससे डांस वगैरह करते टाइम आपका दुपट्टा हिले नहीं और एक जगह सिक्योर रहे। ये स्टाइल बहुत ही सिंपल है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और इसे अब इस तरीके से कंधे से भी पिन लगा लेंगे, जिससे डांस करते टाइम आपका दुपट्टा निकले नहीं। इस तरीके से इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। गाइस, जब भी आप पिन यूज़ करें तो आप बारीक पिन यूज़ करना, जिससे क्या है आपकी पिन दिखे नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही पिन यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आपका ये स्टाइल तैयार हो जाएगा। इससे आप डांस वगैरह कुछ भी कीजिए, आपका दुपट्टा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। सेकंड स्टाइल के लिए इसे हम इस तरीके से लहंगे से पिनअप कर लेंगे। थोड़ा सा मोड़ के दुपट्टे को यहाँ पर हम इसे अच्छे से टकिंग कर लेंगे पिन से। और दुपट्टे को इस तरीके से आगे लाते हुए, आगे से थोड़ा सेट कर लेना जितना आपको सही लगे, और पीछे से लाते हुए इसे इस तरीके से टाइट करते हुए कंधे पर ले जाएंगे। यह आपका एक साड़ी लुक भी है, बट ये बहुत ही सुंदर लगता है। और आप आगे से देख लीजिए कि आपका वी शेप बने। इस तरीके से इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों दुपट्टे के कॉर्नर को अच्छे से मिलाकर इन्हें पिनअप कर लेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके दोनों कॉर्नर अच्छे से मिल गए हैं और आपका वी शेप बन रहा है, फिर इन्हें पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से हमारा ये सेकंड लुक तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरीके का लुक क्रिएट करके आप डांस कीजिए, मैरिज में बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड गाइस, अगर आप न्यू मैरिड हैं तो और सर पर अगर आपको दुपट्टा रखना है तो इससे आप सर पे दुपट्टा भी रख सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। गाइस, इस स्टाइल के लिए ही हम पहले की तरह ही दुपट्टे को इस तरीके से साइड में पिनअप कर लेंगे, जिससे हमारा दुपट्टा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। सारे स्टाइल बहुत ही इजी है। आप
एक दो बार में आप ये सब सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरीके से बैक में दुपट्टे को लाएंगे, थोड़ा टाइट करते हुए आपको दुपट्टे को लेकर आना है और यहाँ पर बैक में आपको पिनअप कर लेना है, जिससे क्या है आपका दुपट्टा सिक्योर हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। इस तरीके से आपको इन्हें इजीली पिन लगा लेना है। पिन लगा लेने के बाद सभी दुपट्टे को आप इस तरीके से मिला लोगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ पर भी वैसे ही पिनअप करना है, जिससे इनके दोनों कॉर्नर आपस में मिल जाएं। इस तरीके से कॉर्नर करते हुए जो बचा हुआ भाग है इसे भी आपको इस तरीके से पिनअप लगा लेना है, जिससे कि निकले नहीं और अच्छे से सिक्योर हो जाए। सब जगह इस तरीके से आपको पिनअप लगा लेना है। पिन लगाने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे। आपका दुपट्टा निकले नहीं, इसलिए आप इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, ताकि डांस करते टाइम आपका दुपट्टा नीचे नहीं आए। और इसे इस तरीके से आप अपने ब्लाउज से भी अच्छे से पिनअप कर लीजिए, जिससे दुपट्टा अपने जगह से हिले नहीं और आप कॉन्फिडेंट से डांस कर सकें। सो गाइस, अब ये दुपट्टा नीचे है, डांस करते टाइम इन्हें अच्छे से अपने लहंगे से टकिंग कर लीजिए, जिससे क्या है आपका दुपट्टा नीचे लटकेगा भी नहीं और आप कॉन्फिडेंट से अच्छे से डांस कर सकेंगे। इस तरीके से दोनों से इन्हें मिला लीजिए। सो गाइस, आपका ये लुक तैयार हो गया है। अब आप कॉन्फिडेंस से डांस कीजिए, आपका दुपट्टा अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। गाइस, इस स्टाइल के लिए जैसा हमने दुपट्टे के दोनों कोनों को मिलाया था, इसी तरीके से इन्हें मिला लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। बाकी का जो भाग है उसे भी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से हम सभी में पिनअप लगा लेंगे, जिससे हमारा दुपट्टा अच्छे से सिक्योर हो जाए। इस तरीके से ये हमारा लुक सामने आएगा। ये एक बहुत ही इजी स्टाइल और बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइस, पिन से इसे इस तरीके से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमारा दुपट्टा नहीं खिसके। अब ये वाला भाग लाकर कुछ इस तरीके से आप पिनअप करके आप अपनी चूड़ी में भी पिनअप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ब्लाउज में भी पिनअप कर सकते हैं। ये मुझे कुछ बंगाली लुक लग रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इस तरीके से डांस कीजिए। गाइस, इस लुक के लिए आप दुपट्टे की इस तरीके से बारीक बारीक प्लेटें बना लीजिए। इस तरीके से बारीक बारीक प्लेटें बनाकर उसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, जिससे क्या है आपकी प्लेटें खराब नहीं हो। इस तरीके से इन्हें पिन से सिक्योर कर लीजिए। प्लेटें खराब नहीं हो इन्हें अच्छे से देख लीजिए आप, और इस तरीके से इन्हें कंधे पर रख लेंगे और इन्हें भी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। गाइस, ये लुक बहुत ही सिंपल है और कोई भी इसे क्रिएट कर सकता है। और यह लुक मुझे कुछ पंजाबी टाइप लगता है, बट बहुत ही सुंदर भी लगता है। इस तरीके से दुपट्टे का एक कोना लेकर उसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, जिससे क्या है आपका दुपट्टा निकले नहीं। और आगे से भी एक कोना लेकर उसे इस तरीके से दुपट्टे से सिक्योर कर लीजिए। इस लुक में आप सर पे भी ढक सकते हैं दुपट्टे को, अगर आपको दुपट्टे को सर पे रखना पसंद है। इस तरीके से आप अच्छे से इन्हें पिन से सिक्योर कर लीजिए। जिससे बार बार आपका दुपट्टा खिसकेगा भी नहीं अपनी जगह से। कई बार क्या होता है डांस करते टाइम ये बार बार दुपट्टा खिसकता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। और आगे से इस तरीके से सेट कर लीजिए और इन्हें भी यहाँ से अच्छे से पिन से सिक्योर कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेटर है जिनका गला ब्लाउज का बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो वो इस तरीके से दुपट्टे को लगाइए और आगे से पिनअप कर लीजिए। ये भी लुक बहुत ही सुंदर लगता है। आप बैक से आप दुपट्टे सर पर भी ढक सकते हैं। यह लुक भी बहुत ही सुंदर लगता है।
गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इनमें से कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।